कसरावत तहसील से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हीरापुर में इन दिनों ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या विकराल होती जा रही है। नल कनेक्शन शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में सरकार और विभाग का दावा छलावा साबित होता नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत कहानी में मोहल्ला वार्ड वासियों का यह कहना है कि पंचायत द्वारा पानी देने को लेकर सामाजिक भेदभाव किया जाता है। ग्राम कहानी में नल कनेक्शन और हैडपंप जवाब दे रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे हैं। वार्ड वासी पानी के लिए मोहल्ले के एक ही हैडपंप पर से 200 परिवार द्वारा रोजाना पानी भरा जा रहा है। यहाँ पर पानी की टंकी भी मौजूद है। वार्ड वासियों ने बताया कि उनके यहाँ हर घर में नल कनेक्शन तो दे दिया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। पानी की समस्या, ये हेडपंप से आप पानी भर रहे हैं? हाँ। क्या समस्या है? पानी इधर देता है नल वाला, उधर इधर नहीं देता, उधर देता है। क्यों नहीं देता है ये? पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, नहीं तो कभी बोलता है ट्यूबवेल जल गई। कब से समस्या है ये? एक डेढ़ महीना हो गया। अभी तक पानी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। हेडपंप से भर रहे हैं आप? तो इस हेडपंप से कितने लोग पानी भरते हैं? सब पूरा गांव भरता है इससे। क्या नाम है आपका? अलका। यहीं रहते हो? कौन सी पंचायत है? हीरापुर। क्या है पानी की समस्या, क्या है यहाँ पर? एक महीने से नहीं मिल रहा है, और उधर दे रहे हैं और इधर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे इधर पानी? ये बोल रहे हैं इसमें ट्यूबवेल में पानी नहीं है, वो सर ऐसा बोल रहे हैं। आधे गांव में पानी दे रहे हैं? हाँ, और आधे गांव में उधर तो है, बोल रहे उधर है पानी, इधर बोल रहे कि इसमें ट्यूबवेल में पानी नहीं है, ऐसा बोल रहे। ये कौन जवाब दे रहा है? ये मंत्री देता है कि सरपंच? मंत्री और सरपंच दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्या साधन है? साधन हेडपम्प हो गया तो पानी मिल रहा है, नहीं तो वहाँ से पानी खपत हो। इस हेडपम्प पे कितने घर के लोग पानी भरते हैं? डेढ़ सौ घर एक हेडपम्प पे है आश्रित, पानी नहीं मिल रहा। हाँ, और क्या? तो उधर कौन से समाज को दे रहे पानी ये लोग? उधर दे रहे यादव वगैरह सब। आप कौन से समाज में? हमारी। अच्छा, सरपंच का क्या कहना पड़ता है? पानी खत्म हो गया, वो बोला ट्यूबवेल में पानी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, उधर पानी मिल रहा है। इसके लिए कुछ उन्होंने उपाय भी, आप भी तो ट्यूबवेल हुई थी तो वहाँ पे भी पानी नहीं, ऐसा बाकी पानी दे ट्यूबवेल में, ऐसा बोल के आधे गांव में दे रहे हैं। हाँ, आधे गांव में दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय सिंह है। कौन सी ग्राम पंचायत? हीरापुर। मैम, ये ग्राम पंचायत हीरापुर में आधे गांव को पानी मिल रहा है और आधे गांव को पानी नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हीरापुर की योजना जो एट्रोफिटिंग योजना बनाई थी, इसमें पूरे गांव में पेयजल प्रदाय हो रहा था, परंतु अभी जलस्तर कम होने से सोर्स में जलस्तर कम होने से आधे गांव में पानी जा रहा है। हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से पंचायत को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि समय सारणी के अनुसार पूरा बनाकर एक दिन में अगर हो सके तो ग्राम पंचायत जो आधा गांव है उसको एक बार में और दूसरे को अगले दिन में सप्लाई करें। इस तरह से पूरे दोनों जहां पर पानी नहीं जा रहा है वहां पर भी पानी सप्लाई हो सकता है। सरकार की करोड़ों रुपए की नल जल योजना है, बाकी इस तरह की घटनाएं हो रही है, करीब एक डेढ़ महीना हो गया है। इसके लिए हमने योजना बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजी हुई है, जहां नवीन नलकूप खनन करवाया जा सके, जब जैसे स्वीकृति मिलेगी वैसे कार्य कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत हीरापुर में लोग पानी के लिए हेडपंप से पानी भर रहे हैं, जबकि पाइपलाइन है वहाँ पर, टंकी भी है, पानी नहीं दिया जाता। और कहने पर कहते हैं तो पानी बोले खत्म हो गया, आधे गांव में पानी दिया जा रहा है, आधे गांव में पानी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी तक हमारे पास इस विषय में कोई भी शिकायत प्राप्त का कहना है कि एक महीने से ये समस्या बनी हुई है कि अगर समस्या एक महीने से होती तो हमारे संज्ञान में जरूर आती, हमें ना किसी के भी द्वारा इस विषय पर अवगत नहीं कराया गया। मेरे स्वयं के द्वारा प्रतिदिन पंचायतों में पेयजल के संबंधित बात की जा रही है। ग्राम पंचायत हीरापुर में भी अभी एक सप्ताह पहले मैंने स्वयं बात की थी, वहाँ पर बताया था पेयजल की कोई समस्या नहीं।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।